है कि मन फिराओ, क्योंकि परमेश्वर का राज निकट आ गया है। मन फिराने के तात्पर्य मन फिराओ के जिंदगी, मन फिराओ के कंडीशन, मन फिराओ की वर्ग, मन फिराओ का व्यक्तित्व, व्यक्तित्व का जिंदगी कंडीशन सहित अलग होगा। आमीन, हालेलुया। देखिए पढ़िए मरकुस 1:1-2 तक लिखा हुआ है। मरकुस 1:1-8 तक परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार का आरंभ। हाँ, परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह का सुसमाचार की शुरुआत जैसे यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक में लिखा है, जैसे यशायाह भविष्यवक्ता के द्वारा लिखा है, देख मैं अपने दूत को तेरे आगे आगे भेजता हूँ, देख मैं तेरे आगे आगे अपना दूत को भेजता हूँ जो तेरे लिए मार्ग सुधारेगा, तेरे लिए मार्ग को सुधारेगा। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई दे रहा है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, प्रभु का मार्ग तैयार करो, और उसके सड़कें सीधे करो, उसके सड़कें सीधे करो। यूहन्ना आया जो जंगल में बपतिस्मा देता और पापों के क्षमा के लिए, हाँ, जंगल में बपतिस्मा देता और पापों के क्षमा के लिए, मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था, मन फिराव के बपतिस्मा का प्रचार करता था सारे यहूदिया प्रदेश के और यरूशलेम के सब रहने वाले निकलकर उसके पास गए, यरूशलेम के लोग निकलकर यूहन्ना के पास गए और अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया, यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना ऊंट के रोम का वस्त्र पहने और अपने कमर में चमड़े का कटेबंध बांधे रहता था, टिड्डियां और वन मधु खाया करता था, और यह प्रचार करता था, मेरे बाद वह आने वाला है, जो मुझसे शक्तिमान है, मुझसे बहुत शक्तिशाली है, मैं इस योग्य नहीं। झुक कर उसके जूतों का बंधन खोले, झुक कर उसके जूते का बंधन खोले। मैंने तो तुम्हें जल से बपतिस्मा दिया है, तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा, तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन, हालेलुया। ऐसे सुसमाचार के वचन प्रचार किया करते थे, और मेरे प्रियजन जिन्होंने सुसमाचार पर विश्वास किया उनके मन फिराव के जिंदगी को मसीह कहा गया, और जिन्होंने मन फिराया उनके जिंदगी और जीवनी और धार्मिकता का जिंदगी का कंडीशन मसीह स्वभाव के साथ नहीं था, उनमें से कोई परमेश्वर के योग्य नहीं रहे। आमीन, हालेलुया। यूहन्ना गवाही देते हैं, जवाब देते हैं कि मेरे पीछे बाद में, मेरे जाने के बाद में एक व्यक्ति आने वाला है, वो मेरे परिजन पवित्र शास्त्र कहता है कि मुझसे शक्तिशाली है, मैं उसके जूते का बंधन भी खोलने के इस योग्य नहीं हूँ कि मैं झुककर उसके जूते के बंधन खोल सकूं। मेरे मसीह परिजन, वास्तव में परमेश्वर के बंधन, जूते का बंधन कौन खड़ा होकर खोल सकता है, कौन झुक सकता है उसके जूता के सामने, कौन उसके पांव के सामने झुक सकता है, वो महान प्रताप पराक्रमी कर्म पराक्रम करने वाला परमेश्वर है और भयंकर शक्तिशाली और आग है। आमीन, हालेलुया।